हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं अभी रिसेंटली नेट पे सर्व कर रहा था थोड़ी चीजें यहाँ लटकाने के लिए, एंड मेरे को एक ऐसी चीज मिली जो किसी भी टेक एंथुसियास्ट को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और वो था एक फोटो फ्रेम जिसमें एक फोन और उसके काफी सारे टुकड़े पार्ट्स, एंड उसको देख करके मेरे को उसको लेने का बहुत ज्यादा मन किया। लेकिन उसके बाद मैंने उसका प्राइस देखा एंड मैंने उसके बाद बैंक बैलेंस देखा, तो फिर मैं सोचा इससे बेटर मैं इसको बना ही क्यों नहीं लूँ। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मेरे लिए वो फोटो फ्रेम, और मैंने सोचा कि बेस्ट फ़ोन क्या होगा। तो भी रिसेंटली मैंने अपने लिए एक फ़ोन लिया था जिसका नाम है Nord 2, लेकिन अब मेरे को Nord 2 से नथिंग पे शिफ्ट करना पड़ा है बिकॉज ये फ़ोन अब हमारे बीच नहीं रहा है। पहले मैं तुम्हें दिखा दूँ, या बेसिकली इस वजह से तो मैं थोड़े टाइम पहले स्कूटी पे जा रहा था, एंड हमारे प्रिय फ़ोन ने डिसाइड किया कि इनको ऑफिस नहीं जाना है, इनको घूमने जाना है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। तो ये मेरी पॉकेट से कूद के बाहर आ गए, और एक गाड़ी इनके ऊपर चढ़ गई, और वो गाड़ी ने इसको Nord 2 से Nord 2 CE बना दिया, जिसका मैंने कर्व इवेंचुअली। एंड ये फ़ोन मैंने लिया था 25,000 का, एंड जब मैं इसको रिपेयर पे लेकर के गया तो फिर वो मेरे को कहते कि इसका कॉस्ट अबाउट 30,000 आएगा। तो मैं सोचा, बहुत सोचा कि मैं 25,000 के फ़ोन के ऊपर मैं 30,000 रुपये लगा दूँ, तो इसलिए मैंने वो 30,000 रुपये लेकर के नथिंग में लगा दिए। इसके बाद केबल नहीं आती, तो फिर इसमें मेरे OnePlus की केबल लगी अब, एंड इसीलिए हम इस फ़ोन को या इस फ़ोन के टुकड़ों को यूज़ करके एक फ़ोटो फ्रेम बनाने वाले आज मूवमेंट 2 की तरह, और क्योंकि वो सेक्सी लगेगा, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हम चीजें यूज करने वाले हैं वो है, एक तो ऑब्वियसली हमारा OnePlus, एक टेबल मैट वाइट कलर का, क्योंकि इसकी कंपोनेंट्स ब्लैक है ज्यादातर, तो आई थिंक वाइट के ऊपर ज्यादा सुंदर दिखेंगे। एक पुराना अमेजोन का कार्टन, एक हॉट ग्लू गन, काफी सारे स्ट्रॉ जो कि मैंने खुद ओशन से निकाली है ताकि जो हमारे टर्टल्स है वो इनसे गलत चीजें ना करें। मेरी गन करा। तो पहले हम हमारा बेस रेडी करने वाले हैं। अब हम इस बेस को मूवी मैजिक की हेल्प से काटेंगे। ओ माय गॉड, देखो मूवी मैजिक से ये अपने आप कट गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब चीज़ों को यहाँ अलाइन करेंगे और उसके बाद असेंबल कर देंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी स्क्रीन कैसे ठीक है, वेल ये ऊपर से ठीक है, बट ये अंदर से पूरी टूट चुकी थी मेरी तरह। तो जो चीज़ अभी मैंने हटाई है इसको हम हीट सिंक बोलते हैं। तो इसमें हमारा प्रोसेसर और मेन GPU है। पीछे की तरफ जो मैंने हटाया ये हमारा IC कंटेन करता है, बट मेरे को इतना सुंदर नहीं लगा, तो फिर आई डोंट थिंक मैं ये वाली साइड को ऊपर रखूँगा, बल्कि मैं प्रोसेसर वाली साइड को ऊपर रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ये इसका मेन कैमरा यूनिट था जिसमें हमें OIS मिलता है। ये हमारा बॉटम फायरिंग स्पीकर था, ये SIM कार्ड ट्रे और ये SIM कार्ड को होल्ड करने वाला। ये था हमारा इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर का कैमरा। ये सारी मेहनत करने के बाद हमारा कोलाज बन चुका है, जो कि देखने में अब ऐसा लग रहा है। ये हमारा बैक पैनल, एक कैमरा का पैनल, एक पैनल यहाँ पे क्योंकि मैंने ये 2 बार लिया था। फ्लैश, फ्रंट कैमरा, रेयर मेन कैमरा, OIS अभी भी चल रहा है, सेकेंडरी कैमरा, थर्ड कैमरा, बॉटम स्क्रूज, टॉप स्क्रूज, मेन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का बचाने वाला मदरबोर्ड प्रोटेक्टर, मेन बैटरी, ये स्क्रीन को मदरबोर्ड से बचाने वाली एक चीज़, सेकेंडरी बोर्ड का सिम ट्रे, हमारा हैप्टिक इंजन, हमारा फ्रंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, हमारा सेकेंडरी बोर्ड का प्रोटेक्टर, हमारा मेन लाउड स्पीकर, हमारा वाईफाई बैंड, हमारा ब्लूटूथ बैंड, हमारी मेन स्क्रीन। अगर ये ऐसे करते हुए टूट जाती ना, मेरे को बहुत बुरा लगता। हमारा प्रोजेक्ट ऐसे खत्म होता है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है। मेनली ये पूरा एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, और सेकेंडली क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस टैग के साथ में नहीं आ रही। हो सकता है कि ये वीडियो तो मैं थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, बट मेरी बाकी सारी वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उनको मैंने भी मूवी मैजिक से ठीक कर दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे आएगी। उसके लिए स्टे ट्यून। अगर तुम्हें ये दिखता है मेरे बैकग्राउंड में, उसका मतलब कि मेरी फैमिली को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर तुम्हें ये मेरे बैकग्राउंड में नहीं दिखता है, तो इसका मतलब कि मेरी फैमिली ने इसको फेंक दिया है मेरे साथ। बाय बाय।